चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि प्रदेश कोरोना प्रबंधन के बाद वैक्सीनेशन में भी देश भर में अग्रणी है। उन्होंने बताया कि गुरुवार दोपहर 1 करोड़ से अधिक दूसरी डोज लगाकर प्रदेश की 20% लक्षित जनसंख्या को वैक्सीनेट किया जा चुका है। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 4,12,67,359 लोगों को कोरोना वैक्सीन की कुल डोजेज लगाई गई हैं। इनमें 3,12,58,116 लोगों को प्रथम डोज और 1,09,243 लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 3,177 वैक्सीनेशन साइट पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसमें 3,109 राजकीय व 68 निजी वैक्सीनेशन साइट शामिल है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए चिकित्सा कर्मियों को बधाई दी है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेश के सभी शिशु चिकित्सालयों के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चयनित 332 CHC में ICU बेड के साथ मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक विभिन्न चिकित्सालयों में 550 से अधिक अतिरिक्त बेड का लोकार्पण किया जा चुका है और बेड्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। प्रदेश में 1000 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए निरंतर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने 50,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद की है। सरकार जल्द राइट टू हेल्थ कानून लेकर आएगी, जिससे प्रदेश की जनता को चिकित्सा का अधिकार मिलेगा।